खुश है, भगवान के चेहरा के ऊपर मुस्कुराहट नहीं है। आज उसी समय धर्मराज कहने लगे, हे मधुसूदन श्याम सुंदर, सब लोग बड़े खुश हैं, तुम काहे को उदास हो। तो उसी समय भगवान कहने लगे हैं, हे धर्मराज, आगे कलयुग आ रहा है, तुम नहीं जानते हो। अरे अब हुई है धर्म रवानो, मेरा अनुसंधान पूर्ण हो गया, मैं अपने लोक के लिए जा रहा हूँ, इसलिए तुम भी अगर मेरी बात मानो तो परीक्षित को राजा बनाओ, तुम भी चले जाओ हिमालय में जाकर के गल जाओ। जैसे आज्ञा प्रभु, भगवान चले। एक दूत ने आकर के बताया कि कन्हैया चले गए अपने लोक के लिए। उसी समय धर्मराज ने अपने बेटा परीक्षित को बुलाया और कहा, बेटा परीक्षित, आइए सिंहासन पर विराजमान हो जाएं। परीक्षित को सिंहासन पर बिठाया, मुकुट रखा, तिलक लगा करके कहा, बेटा अब तुम यहाँ के सम्राट हो गए, मेरी एक बात हमेशा ध्यान में रखना। क्या? और धर्मराज अपने बेटा को समझाते हुए बोले, बेटा परीक्षित, कुमर को राजी पंडवा चले हिमालय को, राजपाट दे गए अपने राज दुलारे को। चले जाए लेकिन धर्म नहीं जाए।